go under in the deep sea, you take with yourself what you take with yourself a cylinder, and that cylinder it has air. So initially, जब लोगों ने डिजाइन किया सिलेंडर एंड द गैसेस दैट दे वांटेड टू पुट, दे वांटेड टू मिमिक व्हाट एवर वाज देयर इन एटमॉस्फेयर. आपके एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 70% इज नाइट्रोजन एंड 30% अप्रोक्सीमेटली है ना, 28% होता है, अप्रोक्सीमेट 30% ऑक्सीजन. तो इन्हीं दोनों को फिल कर दिया गया इन द टैंक सिलेंडर फॉर डीप सी डाइविंग. व्हाट डिड वी डू? 70% नाइट्रोजन, 30% ऑक्सीजन. Now, please understand, whenever you breathe air, the air it is consisting of at least approximately 70% nitrogen. You breathe that in, but N2 is not soluble in blood at one atmospheric pressure. Right now, we are at one atmospheric pressure, and at one atmospheric pressure, what will happen? N2 is not dissolved. I mean, it does not get dissolved inside the blood, which dissolve nahi hota. Theek hai na? Now, it is not soluble. Now what will happen? We are at sea level right now. ठीक है, we are at sea level. Sea level मतलब समझ रहे हैं? We are not in deep inside the sea. We are at sea level. The pressure will be equal to 1 atm. And here N2, it is not soluble. N2 is not soluble. So right now, if I look at the blood vessel, it will be containing only सही है. तो ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह है. नाउ डोंट ट्राई दिस, है ना, ध्यान सुन लीजिए. पहले यू गो इनसाइड द डीप सी, कहाँ गए? बिकॉज इट इज डीप सी डाइविंग, सो यू आर नाउ इन डीप सी. व्हाट विल हैपन इनसाइड द सी? द प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज, बताइए. व्हेन यू गो इनसाइड, द प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज इंक्रीज, राइट. तो प्रेशर इट बिकम्स ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन 118, बिकॉज वाटर इज हेवियर देन एयर, है ना. वाटर बहुत ज्यादा हेवी है किससे? एयर से. राइट नाउ वी आर फीलिंग द प्रेशर ऑफ एयर, बट इनसाइड वाटर वी विल फील द प्रेशर ऑफ वाटर. सो व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ऑल्सो इंक्रीजेस. दैट इज व्हाई इन हाई प्रेशर N2 इज सॉलिबल. सो N2 विच शुड नॉट गेट डिजॉल्व, इट गेट्स डिजॉल्व इनसाइड द ब्लड वेसल. इवन दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज N2 जो है वो काफी इनर्ट होता है. इट डज नॉट रिएक्ट, है ना. N2 जल्दी रिएक्शन तो नहीं करता. इट इज क्वाइट इनर्ट. तीन तीन बॉन्ड होते हैं उसमें, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है. दैट इज दैट इज व्हाई इट इज इनर्ट. बट N2 आउट हो गया, है ना, ब्लड वेसल में अब है N2. नाउ यू विल नॉट स्टे इन द डीप सी. आप बाहर तो आइएगा ना, ऐसे नहीं ना डीप सी डाइविंग करके वहीं पे आप अंदर रहने लगे. यू विल कम आउटसाइड, यू विल कम आउटसाइड टू द सी लेवल. नाउ व्हाट विल हैपन? द प्रेशर विल अगेन बिकम इक्वल टू 1 atm, एंड एट दिस पॉइंट N2 इज नॉट सॉलिबल इन ब्लड. बट N2 तो यहाँ पे था. अब N2 अगर सॉलिबल नहीं है तो N2 निकल जाएगा एंड इट विल लीव सम वैक्यूम एज एयर बबल. लाइक प्लीज अंडरस्टैंड, N2 वॉज प्रेजेंट एंड वेन यू विल रिमूव N2, दैट स्पेस विल बी वेकेंट एंड इट विल क्रिएट बबल्स इन साइड ब्लड स्ट्रीम. बबल्स इन साइड ब्लड स्ट्रीम. और वेन एवर देर इज अ बबल, तो क्या होगा ना, मूवमेंट ऑफ ब्लड इट इज रिस्ट्रिक्टेड. And when the movement of blood is restricted, now blood is responsible to carry oxygen in each and every cell for cellular respiration. And when each and every cell is not getting blood, and blood mein kya hota, oxygen hota hai, is not getting actually oxygen in time, what will happen? The complete bodily function will not be proper. Theek hai? So that is why they will feel same thing. So aapko anoxia mein hota hai, dizziness, and they will also feel weakness. But because the cause of this dizziness and weakness is different, it has got another name that is known as bend. That is known as bends. अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि N2 और O2 सिर्फ नहीं, साथ में से क्या डाला जाता है? हीलियम डाला जाता है. N2 डाला जाता है, बट N2 बहुत ही कम परसेंटेज में डाला जाता है, 70 से बहुत कम, और उसमें हीलियम डाला जाता है. तो व्हाट हैपन इन दैट मिक्सचर? हीलियम जो है ना आपका, हीलियम जो है इट इज नॉट वेरी सॉलिबल. ठीक है, जो आपके पास नया आया वो क्या आया, ध्यान से देखिए. 12% हीलियम, 56% नाइट्रोजन, 32% ऑक्सीजन. ठीक है, सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस सिलेंडर दैट डीप सी डाइवर यूज. नाउ व्हाट, व्हाई वाज हीलियम यूज? हीलियम वाज एडेड
हीलियम वाज एडेड ड्यू टू लो सॉलिबिलिटी एंड ऑल्सो स्मॉल साइज, और दूसरा चीज वो इनर्ट होता है ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा राइट से लिखे, उसका एक पॉइंट लंबा सा लिखाना होगा। Raise your hand once you're done. वेटिंग फॉर आमना। अदिया मरियम अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट ये सुनो। आपको तो बैकग्राउंड की आवाज आ रहा खदीजा, आपकी आवाज आई नहीं रही है। मरियम अंडरस्टूड यस सर आई एम श्योर। ठीक है, साथ साथ लिख लीजिएगा ठीक है, डोंट हैव टू वेट, साथ साथ लिखिएगा। व्हेन डीप सी डाइवर्स, व्हेन डीप सी डाइवर्स कम बैक टू सी शोर, कम बैक टू सी शोर द डिजॉल्व इनटू केप्स आउट ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर फॉर्मिंग बबल, फॉर्मिंग बबल्स इन ब्लड, फॉर्मिंग बबल्स इन ब्लड स्ट्रीम के अंदर ठीक है, विच लीड्स टू विच इन ब्लड फ्लो कॉजिंग वीकनेस कॉजिंग वीकनेस वीकनेस एंड डिजनेस, दिस कंडीशन इज नोन एज डिजनेस
रेज योर हैंड इफ यू आर डन, हो गया होगा ना, तो रेज योर हैंड इफ यू आर डन गाइस, साथ साथ लिख रहे होंगे होपफुली। वेटिंग फॉर आमना एंड मरियम, वेटिंग फॉर मदिंग नाउ, जस्ट वेटिंग फॉर मरियम। मरियम नहीं हुआ आपका, जल्दी लिखिए मरियम। मरियम आर यू डन? अरे मरियम है नहीं क्या? मरियम लड़का नहीं है क्या? बोल रही मरियम कैसरिया, यू कैन लोअर योर हैंड। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? आमना, खदीजा, मरियम, लोअर योर हेलो हैंड सर, खदीजा। हाँ कैन यू हियर मी? यस मरियम, आई कैन हियर यू नाउ। आपका हो गया, लिख लिया आपने? जी मैंने लिख लिया, एक्चुअली मेरे माइक में कुछ मसला हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ठीक है, क्या होता है भाई वेपर प्रेशर? बहुत ही आसान है, ठीक है। लेट्स सपोज, इतना नहीं है अभी, ड्राइंग में बनाइए आप लोग। लेट्स सपोज यू हैव अ यूटेंसिल एंड इसके अंदर आपने रखा है पानी, क्या रखा आपने? पानी, ठीक है, अंदर रखा है पानी और आपने इसको छोड़ दिया ओवर हाइट एंड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग वी विल व्हेन यू विल लिड सॉरी व्हेन यू विल चेक लिड यू विल सी सम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। करेक्ट है ये सुनो, अभी आमना खदीजा मरियम, सही है? सही है। तो हाउ डिड दिस हैपन? दिस हैपन बिकॉज सम वाटर मॉलिक्यूल्स इट इवेपोरेटेड फ्रॉम दिस लिक्विड स्टेट, इट वेपराइज, इट टच द स्टील लिड या फिर कोई भी लिड होगा, इट गॉट कंडेंस, है ना? दैट मीन्स देर इज ऑलवेज सम वेपराइजेशन हैपनिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वेपराइजेशन ओनली वॉट विल हैपन, देर विल बी सम वेपर्स ऑफ लिक्विड जस्ट अबव द सोल्यूशन। There will be some vapors of liquid just above the solution. Now, vapors are gases, and gases they have a property to exert pressure. So, whatever pressure is applied by these gases, that is known as what? That is known as vapor pressure. ठीक है, तो क्या बोलते हैं? Vapor pressure. फिर लीजिएगा. The pressure applied by वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड, वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड वेपर प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड, देखिए द लिक्विड्स विच आर हैविंग स्ट्रॉन्गर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जहां पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देन द मॉलिक्यूल्स विल नॉट सेपरेट एंड दे विल नॉट इवेपोरेट इजिली। तो वो वहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दे आर नॉट इवेपोरेटिंग, तो वेपर बन ही नहीं रहा है, वेपर नहीं बन रहा है, देर इज नो वेपर, देर इज नो क्वेश्चन अबाउट वेपर प्रेशर। तो आई कैन से
लिक्विड्स विथ स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हैव लो वेपर प्रेशर, हैव लो वेपर प्रेशर। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? देखिए इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज, मोर वेपर्स विल बी फॉर्म, एंड इफ देर इज मोर वेपर्स, जहां पे ज्यादा वेपर होगा वहां पे क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। यू कैन राइट वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड, इंक्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट चलिए बताइए, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट आमना बी मरियम, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? यस आमना, आमना तो बिल्कुल शांत है जब से आई है। यस आमना, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? आमना एम आई ऑडिबल आमना आपको? यस हाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग बोलो भाई, बॉइलिंग बताइए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, ये बताओ खदीजा, खदीजा बॉइलिंग पॉइंट बताइए खदीजा। द पॉइंट एट व्हिच द लिक्विड स्टार्ट्स टू इवेपोरेट, ठीक है, पानी गिरा दीजिए आप अभी जमीन में, इवेपोरेट कर जाएगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा इवेपोरेट, when you give heat, तभी करेगा क्या? खुद पानी गिर जाता सूख नहीं जाता क्या खुद ब खुद? आप no, खदीजा नहीं सूखता है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार आप, कैसी बातें कर रहे हैं, पानी सूखता नहीं है खुद ब खुद? अल्लाह कैसे समझाए इनको हम, इवेपोरेशन तो कोई भी टेम्परेचर पे हो जाता है ना। अच्छा हाँ एक बात बताइए सर, ठीक है सर सर, इवेपोरेशन होगा तभी तो बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तभी बारिश होगी, बारिश हाँ होती है, बारिश होती है यानी बादल बनते हैं हाँ है ना, बादल बनते यस यानी इवेपोरेशन होता होगा, यानी कि आप लेक में और रिवर्स में नहा नहीं सकते क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब वहां तो बॉइल कर रहा होगा पानी, ऐसा तो नहीं है लेकिन इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है ना। इफ यू इफ यू लीव सम वाटर, सूख कैसे नहीं जाता भाई, क्या बात कर रहे हो, सूखता नहीं है एकदम खुलेआम ऐसे मुंह से, नहीं सूखती पानी, नहीं सूखता खुद ब खुद सूखता यस है ना। आप हाँ भाई कैसे, मतलब पानी सूखता तो है, बिकॉज मान लीजिए आप बोलिएगा सर हम पोछा कर लेते हैं, ठीक है अगर आपने पोछा लगा दिया ठीक है ना, इफ यू वाइप इट आउट तो कहाँ गया वाइप करके, कपड़े में तो गया, कपड़े में भी तो पानी है, इवेपोरेट कर रहा है ना कि बॉयल हो जा रहा है, बताएं क्या हो रहा इवेपोरेट है? इवेपोरेशन हैपेंस एट ऑल टेम ऑल टेम्परेचर, बॉइलिंग क्या होगा? मरियम बताइए, मरियम सोचिए थोड़ा सर, सोचिए, मरियम बताइए व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी कोई भी पॉइंट्स में लिक्विड व्हाट, स्टार्ट्स में, लिक्विड स्टार्ट्स, क्या लिक्विड स्टार्ट, बॉइलिंग क्या ऐसा डेफिनेशन थोड़ी ना होगा भाई, ऐसा डेफिनेशन होगा तो बॉइलिंग का मतलब क्या होगा बताओ, ऐसा पॉइंट जहां पे लिक्विड बॉइल कर जाए ऐसे थोड़ी ना होता है, बताइए मरियम फिर बॉइलिंग का मतलब क्या, इसलिए हम करते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट है ना, एक करते हैं हम लोग थॉट एक्सपेरिमेंट, क्या थॉट एक्सपेरिमेंट? वैसे बाय द वे
शायद एनसीईआरटी जो है 9th क्लास की, पता नहीं 10th क्लास में कब बॉइलिंग करवाया जाता है, उसमें यही डेफिनेशन बेकार से डेफिनेशन लिखी हुई है कि द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो इसमें आपका कसूर तो नहीं है कि आपको क्या सिखाया गया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, मतलब लेकिन बहुत ही बेतुकी सी डेफिनेशन है कि मतलब जैसे हम आमना से पूछे, आमना सर आपका कहाँ है, आमना बोलिए मरियम के सामने, मरियम घर के सामने, मरियम से पूछ रहे हैं मरियम आपका घर कहाँ है, तो वो कह रही है आमना के सामने, हमने मरियम और आमना दोनों से पूछा आप दोनों का घर कहाँ है, तो बोल दिया एक दूसरे के सामने, मतलब हमको कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं ना उससे, डिड नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दोस आंसर्स, इवन दो दोस आंसर्स आर करेक्ट, है ना। मरियम का कहना सही है कि आमना के घर के सामने मेरा घर है, आमना का कहना भी सही है कि मरियम के घर के सामने मेरा घर है, दोनों का कहना सही है कि दोनों घर आमने सामने, बट आई डिड नॉट गेन एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन, ठीक है ना। दैट टाइप ऑफ डेफिनेशन इज क्या, जहाँ जब बॉइलिंग हो जाए तब उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, भाई बॉइलिंग क्या होता है, इसके लिए करते हैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ध्यान दीजिए जरा। लेट अस सपोज यू हैव अ यूटेंसिल और इसमें आपने रखा है पानी, ठीक है, इसको आपने कर दिया बंद ढक्कन, मतलब बंद नहीं किया, जस्ट लिड है ना, सिर्फ क्या एक लिड लगाया आपने, सिर्फ एक क्या लगाया आपने लिड लगाया, और उसके बाद यहाँ पे हीट करना चालू, धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बॉइल होना चालू, बॉइल क्या होगा, पहले तो इवेपरेशन जल्दी जल्दी होगी, और अपनी दूर जाके लिड बंद है, द यूटेंसिल इज ऑल्सो नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। कब पता चलेगा कि बॉइल होना चालू हो गया, वेन वुड बी नो दैट बॉइलिंग हैज स्टार्टेड, कैसे पता करेंगे आप, कुछ तो बोलिए, थोड़ा तो दिमाग लगाइए, मतलब आपको देखना नहीं है जाके, आपको बस ऐसे दूर से पता करना है कि बॉइलिंग, अच्छा अच्छा ठीक है, अब बॉइलिंग स्टार्ट होगी, कब लगेगा आपको इसका रीजन, व्हाट विल हैपन खदीजा, लिड लिड विल स्टार्ट मूविंग विल स्टार्ट होगी, पहली बार पढ़ के आई है क्या, रिकॉर्डिंग देख के आई है आप, हाँ नहीं पहली बार किसी बच्चे ने डायरेक्ट सही जवाब दिया है, वेरी गुड, व्हाट विल हैपन, द लिड विल स्टार्ट शेकिंग, है ना, लिड विल स्टार्ट शेकिंग, और यही डेफिनेशन, जब ठीक है जब लिड हिल जाए तब बॉइलिंग हो जाएगा, वी विल डू सम टेक्निक, मतलब वी विल ऐड सम टेक्निकलिटीज देयर, है ना, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखेंगे, बट सेंस यही है ना, जब लिड हिल जाए तभी बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, ऑल ऑफ यू एग्री, खदीजा मरियम सुनो, खदीजा ने तो आंसर दिया आमना एंड मरियम, यू अग्री ना, कि देखिए अब बहुत सारे बच्चों के आंसर जो जो आंसर आते हैं ना वो बता देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जब धुआं निकलेगा, लाइक व्हेन आई विल सी द वेपर्स देन आई विल से दैट वाटर हैज स्टार्टेड बॉइलिंग, ये आ रहा था किसी के दिमाग में, धुआं, नहीं सर, लेकिन आई वाज थिंकिंग अबाउट बबल्स, लाइक बबल्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग. वो बबल कैसे दिखेगा आपको, अब दूर है ना आप, तो बबल तो दिखेगा नहीं, आवाज आती है नहीं? बाप रे आवाज आती है आपके यहाँ, दूध रियली फटता है मतलब, हाँ आवाज आती है पानी की, क्या आवाज आती है, कुछ आवाज नहीं आती है, ठीक है ध्यान दीजिए सर, देखिए तो फर्स्ट थिंग इज दैट, देखिए अगर वेपर्स के किसी के दिमाग में आ रहा ना तो धुआं निकलेगा, तो धुआं समझ लीजिए गरम गरम जब खाना भी आता है ना तब भी धुआं निकलता है, इवन वेन यू टेक स्टीम, ऐसा है ना कि आप बॉइल हो रहा वाटर वहां पे स्टीम लेते हैं आप बॉइल कर लेते हैं वाटर को, उसके बाद भी स्टीम आते रहते हैं, तो एट दैट पॉइंट व्हेन द स्टीम इज कमिंग दैट इज नॉट अ साइन कि पानी बॉइल हो रहा है, बस ये है कि वेपराइजेशन का रेट बहुत ज्यादा हो चुका है, सो इट इज गेटिंग वेपराइज इन अ वेरी फास्टर रेट, दैट इज यू कैन सी द स्टीम, जो भी वाटर वेपर है आप उसको देख पा रहे हो, बस यही है, ठीक है अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए ना व्हाई द लिड स्टार्ट शेकिंग उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग दिस, व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग दिस देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेपर फॉर्म, बहुत सारे वेपर्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, ऑब्वियसली दीज वेपर्स जैसे जैसे वेपर्स बढ़ते जाएंगे यहाँ का वेपर प्रेशर ही बढ़ता जाएगा, दैट मींस देयर विल बी अप्लाइंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड आल्सो ऑन द लिड, नाउ व्हेन द प्रेशर इज सो हाई दैट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 atm, बिकॉज लिड को नीचे कौन रखा हुआ है, 1 atm, 1 atm इज द प्रेशर दैट इज एक्सपीरियंस बाय द लिड, नाउ व्हेन द वेपर्स दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर व्हिच इज ग्रेटर देन 1 atm, या फिर अप्रोक्सीमेटली मतलब 1 atm तक आ जाएगा, फिर हिलने लगेगा, इट इज इक्वल टू 1 atm, तभी हम क्या कहेंगे, तभी हम कहेंगे कि बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, व्हेन
व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 atm, है ना, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 atm और एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ध्यान दीजिए जरा, आपके पास मान लेते हैं यहाँ पे, तो जो समझ गया ना, 1 atm पे क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा। अगर अंदर का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 atm, तो बॉइल हो जाएगा। लेकिन वही अगर हमने यहाँ पे पत्थर रख दिया एक, अब यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर बन रहा है, मान लेते हैं इसको 2.5 atm बन रहा है। राइट नाउ द प्रेशर इज नॉट 2.5, नॉट, अभी भी डेफिनेशन वही है बॉइलिंग पॉइंट की, लिड हिलेगा तो बॉइलिंग शुरू होगी। जब तक लिड नहीं हिल रहा है तब तक हम लोग बॉइलिंग नहीं कहेंगे। तो व्हेन विल द लिड हिट, सॉरी, व्हेन विल द लिड स्टार्ट शेकिंग, विल स्टार्ट शेकिंग व्हेन द प्रेशर और द वेपर प्रेशर इनसाइड इट इज इक्वल टू 2.5 atm। मेक सेंस, बिकॉज ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है 2.5 का, तो नीचे से भी प्रेशर 2.5 atm पे लगेगा, तभी जाके लिड शेक करेगी। आमना खदीजा मरियम, मेक सेंस? यस सर, यस सर, ठीक है ना, तो दोनों बातें समझ गए। ठीक है, दोनों बातें धीरे धीरे आएंगी। पहली चीज लिखिएगा द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है तो फिर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, इसी वजह से प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में यू टाइटन द लिड, है ना, तो जो टाइट करने का सिस्टम है ना, तो उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर वहां पे आ जाता है, दैट इज बाई, बताते हैं बताते पहले। ठीक एक लाइन लिखना भाई, कितना टाइम लगेगा आप लोगों को, रेज योर हैंड वंस यू डन। जस्ट वेटिंग फॉर खदीजा। समझिएगा नॉर्मली क्या हो रहा है आपके पास, नॉर्मल जो वेपर, जो नॉर्मल जो आपके पास बाहर से प्रेशर है ना, प्रेशर जो है वो कितना है आपके पास, 180। एंड जो बॉइलिंग पॉइंट आ जा रही है 100 डिग्री सेल्सियस में आ जा रही है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में आपके पास 180 प्रेशर मिल जा रहा है। बट अगर हम एक्सटर्नल, ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास प्रेशर है 2.5 atm, अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, इट विल बी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज अब समझिए 100 डिग्री सेल्सियस तो 1 atm प्रेशर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी 150 200 कहीं पे जाके क्या होगा, द वेपर प्रेशर विल बिकम 2.5 atm। सुनो बात, दोनों वेपर को इक्वल करना, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि एक्सटर्नल और वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल एट बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल कंडीशन में एट 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट इट इज इक्वल टू 1 atm, द बॉइलिंग पॉइंट इट इज रीच है ना एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है, प्रेशर इट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमने लगा दिया इतना 2.5 atm का, तो 100 डिग्री सेल्सियस में तो बॉइल नहीं होगी ना, 100 डिग्री सेल्सियस में तो लिड शेक नहीं करेगा ना, क्या ख्याल है खदीजा? हमने इन मरियम बताइए, 100 में तो शेक शेक नहीं करेगा, 100 में शेक करेगा, बताए मरियम क्या ख्याल है? सर मैं समझ क्या नहीं समझ आ नहीं आ रहा, रही यार, आप भी नहीं समझ आ रहा क्या आप लोग? नहीं एकदम नहीं मुझे ना, एकदम ठीक है, समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक 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 कोई बात नहीं, माइक ऑन लेकिन प्लीज। खदीजा मरियम जिनको समझ नहीं आया प्लीज माइक ऑन रखिए, तभी समझ में आया। खदीजा लोअर योर हैंड, हाँ माइक ऑन रखिए, माइक ऑन तो ठीक है, हाँ ठीक है। सबसे पहले बताइए नॉर्मली आपके पास प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल, नॉर्मल प्रेशर
180 वन एटीएम सही है ना। अच्छा, नॉर्मल टाइम में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, सही है ना। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर भी 1 ATM पहुंच जाता होगा, तभी लिड शेक करेगा। लिड शेक करना चाहिए, है ना। हमारा क्या है, बॉइलिंग कब हो रही है? व्हेन द लिड शेक्स, तभी बॉइलिंग हो रही है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में 1 ATM पहुंच जाता होगा, तभी तो लिड शेक करने लगता है ना। ठीक। अब अगर हमने प्रेशर लगा दिया, मान ये आपका प्रेशर कुकर की बात बता रहे थे, मान लीजिए प्रेशर कुकर में बाहर से आपने प्रेशर लगाया और अब जो है 2.5 ATM है बाहर का प्रेशर। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस में कितना वेपर प्रेशर होता है? 100 वेपर प्रेशर हो सकता है, अभी 118 1 ATM ना। अब हमको चाहिए कितना? 2.5 ATM, तभी तो लिड शेक करेगा। बॉइल तो तभी होगा ना जब 2.5 ATM वो अंदर भी, ठीक है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होगी उसको तो 100 से ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि 100 में तो क्या होगा, 100 में तो 1 ATM पहुंचेगा, 1 ATM में तो लिड शेक करेगा नहीं। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। तो बस वही लिखना आपको नेक्स्ट पॉइंट, दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। तो जो पानी आप ओपन पैन में अगर पीने को बना रहे हैं, इफ यू आर कुकिंग समथिंग इन ओपन पैन, तो वहां पे जो 1 ATM प्रेशर लग रहा है, बट अगर आप तो 1 ATM प्रेशर लग रहा है, तो वाटर जो है ना मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है? 100 डिग्री के बाद तो वाटर बचेगा नहीं, स्टीम बन जाएगा वो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा, लेकिन वही चीज को अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो प्रेशर कुकर में उस पानी को बॉईल होने के लिए 100 से ऊपर जाना पड़ेगा। तो जो एनवायरमेंट इन द प्रेशर कुकर, जो टेम्परेचर प्रेशर कुकर में मिल रहा है खाने को, वो 100 डिग्री से ज्यादा है, इस वजह से जल्दी बन जाता है। नॉर्मल ओपन पैन में आप 100 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं सकते, बिकॉज हर खाने से पकती है चीजें, है ना, उसी से चीजें पकती है। फाइन। तो सालन वगैरह जो बनता है फूड को इंजीनियर बना रहे थे, ठीक है। दैट बाकी रोटी वोटी तो प्रेशर कुकर में कोई बनाता नहीं है, गलने वाली चीजें गलाते ही तो है प्रेशर कुकर में, गलाने के काम आता है ना, क्या ख्याल है? अरे कुछ नहीं पता क्या आप लोग को कुकिंग के बारे में? अरे भाई थोड़ा बहुत कुछ नहीं आता ही सबको, गलाने के काम आता है। समझ में नहीं आ रहा लगता है। आमना तो बिल्कुल शांत बैठी है। आमना, आमना अभी देर यस सर तो फिर आप, आपको समझ में आया? टू यस अंडरस्टैंड, वेरी गुड। आई होप ये नेक्स्ट टाइम लिखी होगी आपने, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। और एक और चीज आपको लिखा, इन प्रेशर कुकर द कुकिंग इज फास्ट बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रेज्ड बाय द इंक्रीज प्रेशर इन साइड कुकर। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, लिक्विड्स विथ हाइयर वेपर प्रेशर। कोई लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर ना ऑलरेडी बहुत हाई है, जैसे कि आपके पास जो होम्योपैथी की दवाई होती है ना, कुछ दवाइयाँ होती है दे कैन इवेपोरेट वेरी इजिली, या फिर फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजर, आप पानी से हाथ धोए आपको सुखाने के लिए यू नीड टू हैव सम आईटी और सम टॉवल, बट द सैनिटाइजर
यू जस्ट रब इट इन योर हैंड एंड इट इवेपोरेट्स वेरी क्विकली. दैट मीन्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन वहां पे ऑलरेडी वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना. इट मेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेपर्स एट रूम टेम्परेचर ओनली. इन्हीं को बोलते हैं लिक्विड्स विथ हायर वेपर प्रेशर. अब इनके पास क्या होगा, हायर वेपर प्रेशर. मान लीजिए इनके पास पानी जो है उनका नॉर्मल में टाइम में आपके पास वेपर प्रेशर होता है 0.28, ठीक है. और जो आपके पास सैनिटाइजर है उसका मान लीजिए होता है 0.7 atm. अब फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों को बॉइल करने के लिए पहुंचना कहाँ पे है, 1 atm. इसको भी कहाँ पहुंचना, 1 atm, है ना. तो जो सैनिटाइजर है दैट विल रीच 1 atm वेरी क्विकली. तो बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइल कराने के लिए. लिक्विड विच हैव हायर वेपर प्रेशर, लिक्विड विथ हायर वेपर प्रेशर विल हैव लोअर बॉइलिंग, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वेपर प्रेशर, ठीक है. यू नीड टू गिव लेस टेम्परेचर टू रीच 1 atm अगर आपके पास वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है. Raise your hand once you're done writing. हो गया सबका, ठीक है. ध्यान दीजिएगा, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इफ आई लाइक व्हाट एवर वी हैव डन टिल नाउ ना, इट इज बिकॉज वी नीड टू लर्न अबाउट लिक्विड इनसाइड लिक्विड टाइप ऑफ सेल. लिक्विड के अंदर आपने क्या डाला है, लिक्विड डाला है, ठीक है. ध्यान दीजिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे आप लोग को, नहीं ठीक है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल समझने की कोशिश की. ठीक है, आपके पास एक ए सोल्यूशन है और साथ में आपने बनाया बी सोल्यूशन, ठीक है. दो आपके पास लिक्विड है, ए एंड बी, इन दोनों को आपने ऐड किया, आपको मिलेगा एक नया रिजल्ट है, ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों रहेगा. दोनों तो मिक्सर रहेगा, रिएक्शन वगैरह नहीं हो रही है, फिर मिक्सर होगा. तो हियर यू आर हैविंग ए, तो यहाँ पे आपके पास है बी, ठीक है. यहाँ पे आपके पास ए बी है और बी बी. नाउ ए में ए के पेपर्स होंगे, तो इन दोनों को ना अलग कलर दे देते हैं. सपोज दिस इज ब्लू दे देते हैं और इसको हम कुछ रेड दे देते हैं कलर, ठीक है. सिमिलर कलर से यहाँ पे भी आ जाएंगे, पर सर भी ब्लू ठीक है. नाउ ए में जो लाइक देयर वी आर हैविंग प्योर ए, दिस पेपर्स जो होंगे वो किसके होंगे, ए के ही होंगे, ए के पेपर्स होंगे. बी में क्या होगा, बी में बी के पेपर्स होंगे, बी के पेपर्स होंगे. तो ए और बी में क्या होगा, ए और बी दोनों के पेपर्स होंगे, ठीक है. अच्छा मान लीजिए हमने ए को लिया है, मान लीजिए हमने ए को लिया ज्यादा, ठीक है, बी से ए को हमने ज्यादा लिया है. द अमाउंट ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, तो वेपर्स भी किसके ज्यादा होंगे, ए ही ज्यादा होंगे, क्या ख्याल है. ठीक है, ऑफिशियल बताइए, यहाँ तक समझ में आया सबको, आया ना. खदीजा है नाम ना, यस सर, यस ठीक सर, है. नाउ वेपर्स ऑफ ए एंड बी दोनों हैं, तो पी टोटल जो होगा यहाँ पे दैट विल बी द प्रेशर बिकॉज ऑफ ए प्लस द प्रेशर बिकॉज ऑफ बी. और जो प्रेशर बिकॉज ऑफ ए होगा, प्रेशर ड्यू टू ए, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ए वी हैव एडेड. तो अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन टर्म्स है, दैट इज आई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा उतना ज्यादा प्रेशर भी होगा. सिमिलरली द प्रेशर ड्यू टू बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बी.
अब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट अगर हम लगाएं तो सी ए इट इज इक्वल टू के ए मान लेते हैं, सॉरी के का ही है, ठीक है ना, के का ही है, के इज जस्ट द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। नाउ वी नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस के का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, के का मतलब क्या, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, काई को ले लेते हैं 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काई, लेट्स सपोज काई इज इक्वल टू 1, मेक सेंस, सभी जान आना, व्हाट डिड वी डू, काई इज इक्वल टू, बताएं, काई इज इक्वल टू, खदीजा आमना मरियम, काई इज इक्वल टू हाउ मच, बोलो तो, लेट सपोज क्या किया हमने, अरे बोलो तो आपको समझ में आएगी, बोलिए एक बार, क्या काई को हमने क्या माना है, अरे हाँ बोलिए तो, आमना मरियम, काई को हमने क्या माना है, आवाज ही नहीं आ रही है यार, वन मरियम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, आमना आपकी आवाज नहीं आ रही है, काई को हमने क्या माना है, खदीजा आपकी आवाज आ रही है, मरियम है ना, आमना की, ठीक है, खदीजा समझेंगे फिर, बाकी अन्ना कभी नहीं समझ, ठीक है, काई को मान लिया हमने 1, आपको पता है खदीजा, ये काई प्लस काई बी इट इज इक्वल टू 1 होता है, तो काई जब 1 है तो काई बी तो 0 होगा, मेक सेंस खदीजा, ये सुनो, यस ठीक है, यानी कि वी आर इन द केस जहां पे प्योर ए है, प्योर ए है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन देखिए, पी ए इट इज इक्वल टू के ए, आया ना, सही है, हम ऐसा कह सकते हैं, जो कांस्टेंट है ना के ए, वो क्या है, इट इज द प्रेशर ऑफ प्योर ए, इट इज द वेपर प्रेशर जब आपके पास प्योर ए मौजूद है, बोल सकते हैं ऐसा, है ना, बताइए जल्दी बताइए, यस ठीक सर, है, देखिए दैट इज व्हाई इसको ना एक अलग से लिखा जाता है, पी नॉट ए लिखा जाता है, ठीक है, तो पी ए क्या आ गया आपके पास, पी नॉट ए, व्हाट इज पी नॉट ए, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इनटू काई ए, और उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी बी इट इज इक्वल टू पी नॉट बी इनटू काई बी, और पी टोटल क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस सी नॉट बी काई बी, दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे हेडिंग क्या डालिएगा, समझ में आ गई ना चीजें, अभी ये सारी चीजें लिखा दी जाएंगी, डोंट वरी, बट अब आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालिए पहले रॉल्स का, क्या कहता है रॉल्स का, प्लीज राइट इट मी, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, एक आए थे क्या कहा, पी ए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, और पी बी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, है ना, और पी ए क्या आएगा, पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए आई ए, और पी बी क्या आ जाएगा आपके पास, पी नॉट बी आई, ठीक है, और पी टोटल जो होगा किसी सोल्यूशन का, दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्रेशर दैट इज ड्यू टू ए प्लस पी बी, और हमने अभी देखा पी ए क्या है, पी नॉट ए आई ए प्लस पी नॉट बी टाइप, बस क्या पी टू, ठीक है सर, इतना छापिए, तो उसके बाद न्यूमेरिकल के लिए ना, यू विल नॉट, दिस इज द रॉल्स लॉ, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर रॉल्स लॉ, ठीक है आपके पास मैथमेटिक, अच्छा आपसे अगर पूछो ना व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर रॉल्स, तो आप ये पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, हमने कई बार आपने देखा है कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, कई बार ये देखा है हमने, और कई बार ये देखा है हमने, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल वाली साइन भी देखी हमने,
इक्वल टू वाला भी देखा और टोटल प्रेशर वाला भी देखा, तो आप लोग पूरा ही लिख दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है। प्लीज गिव मी अ सेकंड, है ना, एंड राइट दिस डाउन। ओके, एवरीवन इज डन। चलिए अब ये न्यूमेरिकल्स के लिए इसको कैसे लिखना है, बीसीए। अब लिख लीजिए, दिस इज स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल्स, है ना, दिस इज व्हेन दे आस्क यू व्हाट इज रॉल्स लॉ, देन यू विल राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड पूरा इट्स अ व्हेन दे आस्क व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रॉल, तो यहां जो बनाया है लिखना है। न्यूमेरिकल्स हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए ये भी आप न्यूमेरिकल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली यूज दिस इक्वेशन पी टी इक्वल टू पी नॉट एक आई ए प्लस पी नॉट बी आई बी फॉर न्यूमेरिकल्स, बट आसानी क्या होगी आपके लिए, देखिए फॉर न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, पी टोटल तो आपने देखा क्या है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी,
ठीक है। अच्छा वी ऑल्सो नो दैट काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू वन। अब आगे बढ़ते, काई बी की जगह हम लोग क्या करेंगे ना, वन माइनस काई ए रखेंगे, ठीक है। तो पी टोटल क्या है आपके पास, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या आएगा, वन माइनस काई आ जाएगा, है ना। बिकॉज हम काई बी को देखें दैट इज इक्वल टू वन माइनस काई ए। नाउ द इक्वेशन विल बिकम पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू वन माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए पी टोटल, ठीक है। अभी भी देखिए पी टोटल को रीअरेंज कर सकते हैं, पी नॉट ए काई ए पी नॉट बी काई ए इसको एक साथ दे लेते हैं, पी नॉट ए काई ए माइनस पी नॉट बी काई ए प्लस पी नॉट बी काई ए। यहाँ पे भी आपके पास काई ए दोनों को कॉमन मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास विल बी इक्वल टू पी नॉट ए कॉमन हो गया, सॉरी नॉट पी नॉट ए। अच्छा एक बात थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं हम, ठीक है ना, घबरा मत जाइएगा आप लोग प्लीज। इनको हम ना इधर ले आते, ठीक है। पी नॉट ए वाज स्टिल पॉजिटिव और पी नॉट ये ऐसे, ठीक है ना। आई होप देयर इज नो चेंज, देख लीजिए एक बार। तो एक मैथमेटिकली ये हो सकता है, टोटल होगा आपके पास पी नॉट क्या प्लस आई ए कॉमन हो गया, नीचे आ जाएगा आपके पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। दिस विल मेक योर कैलकुलेशंस वेरी इजी, ठीक है। अच्छा इसी को हम लिख सकते हैं कि काई बी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, देखिए पी टोटल की जगह पर पी नॉट ए है वहां पे पी नॉट ए आ जाएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, काई बी का काई बी जहां पी नॉट ए है पी नॉट बी रहेगा, और जहां पी नॉट बी है वहां पे पी नॉट, इट विल बी लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ काई बी, ठीक है। तो काई ए या काई बी कोई से जिसको भी आसानी होगी निकालने में, यू कैन कैलकुलेट दैट काई ए और काई बी को कैलकुलेट पड़ेगा, दे विल गिव यू। एंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी जो है क्या करेंगे आप सब्स्टिट्यूट करके फाइनल व्हाट यूज फॉर न्यूमेरिकल्स। प्लीज कॉपी दिस डाउन, मैं हम कंफर्म कर देता हूं आपके पास होता है यहां पे, कॉपी कीजिए कॉपी कीजिए। कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन।
रेज योर हैंड वंस यू आर डन वेटिंग फॉर खदीजा एंड मरियम। जस्ट वेटिंग फॉर मरियम। ठीक है चलिए, नेक्स्ट लिखिएगा ग्राफ फॉर रॉल्स लॉ। ग्राफ नहीं आया, ग्राफ ओवर ग्राफ। ग्राफ फॉर रॉल्स लॉ। ठीक है, ग्राफ फॉर रॉल्स लॉ। नाउ इफ यू हैव रिटन द टॉपिक्स नेम तो उसके बाद फिर पेन बिल्कुल छोड़ दीजिए, डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, समझ लीजिए उसके बाद आराम से लिखिएगा। ठीक है, ग्राफ बनने के बाद बहुत ज्यादा समझ में आपको नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, तो जब ग्राफ बन रहा है तब आप ध्यान से देख लीजिए ग्राफ। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो दिस इज द ओरिजिन, तो यहाँ पे हम मानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इट इज इक्वल टू जीरो, वी हैव नॉट एडेड एनी सोल्यूट, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सॉल्वेंट, तो काई ए विल बी इक्वल टू वन एट दिस पॉइंट। काई बी विल इंक्रीज बट इट विल ओनली इंक्रीज टिल, काई बी विल इंक्रीज टिल वन, इससे ज्यादा हो नहीं सकता मोल फ्रैक्शन, बिकॉज सम ऑफ मोल फ्रैक्शन वन ही होना चाहिए, एंड काई ए एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ में आया? हाँ या ना बताएं? यू नीड टू कीप टेलिंग मी यस और नो, बिकॉज इन दिस ग्राफ यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड यस एवरी पॉइंट। मेक सेंस टिल हियर? ठीक है। नाउ व्हेन वी हैव ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल द प्रेशर फॉर दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए, व्हेन वी हैव ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल द प्रेशर ऑफ दैट विल बी पी नॉट बी। इन दिस पॉइंट आई हैव अज्यूम्ड दैट पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इट इज मोर देन प्योर ए। पी नॉट ए पी नॉट बी समझ में आया? हाँ या ना बताएं? यस सर बोलो भाई। ठीक, जरा नाउ प्लीज, व्हेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट वाज जीरो, तो प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट विल बी आल्सो जीरो, सही है ना? एंड एज वी आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द प्रेशर बिकॉज ऑफ सोल्यूट विल इंक्रीज 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 एंड इट विल रीच पी नॉट बी एट दिस पॉइंट व्हेन वी हैव ओनली सोल्यूट। मेक सेंस यस नो? बी सेंस मी दिस पॉइंट। ये लाइन समझ में आ रही है? सिमिलरली यस सर सिमिलरली व्हेन वी हैव ओनली व्हेन वी डिड नॉट हैव एनी सॉल्वेंट, तो प्रेशर बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट विल बी जीरो एंड इट विल स्लोली इंक्रीज एज द सॉल्वेंट बिकम्स वन, है ना? तो उल्टा बनता है सॉल्वेंट, है ना? वन, देखिए टाई ए से टाई वन उल्टा जा रहा है। ठीक है, लाइक दिस। नाउ देखिए, अब एट दिस पॉइंट वी हैव प्रेशर ड्यू टू ए ऑल्सो एंड प्रेशर ड्यू टू बी ऑल्सो, एंड वेन यू एड बोथ ऑफ दीज प्रेशर, तो यहां तक आपके पास मान लीजिए चार है, यहां तक आपके पास मान लीजिए कितना, यहां से यहां तक सिक्स, तो चार और छह कितना, दस, यहां कहीं पे आएगा। ठीक है ना? सो यू विल हैव ग्रेटर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज फोर, द प्रेशर फोर इज बिकॉज ऑफ, प्रेशर फोर इज बिकॉज ऑफ सोल्यूट, प्रेशर सिक्स सिक्स एटीएम आपके पास किसी वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट। सो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ ऐसे दे सकता है जी? ठीक है, सो दिस इज द टोटल प्रेशर। ये प्रेशर क्या बता रहा है आपको, कुछ लिख देते हैं। दिस प्रेशर इज कॉलिंग अबाउट पी टोटल, इट इज इक्वल टू द प्रेशर बिकॉज ऑफ ए प्लस द प्रेशर बिकॉज ऑफ बी। ठीक है, एंड दिस लाइन, इसको थोड़ा ना ऐसे लिखा जाता है, डॉटेड लाइन से शो करते हैं इसको। ये है आपके पास, दिस इज प्रेशर बिकॉज ऑफ ए, दिस इज प्रेशर बिकॉज ऑफ बी, एंड दिस एक्सिस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास है टाई बी जो है इस तरह से इंक्रीज कर रही है।
रेज योर हैंड वंस यू डन। वेटिंग फॉर आमना एंड खदीजा। किसी का कॉम्पोजिशन इन वी पर थीज। कॉम्पोजिशन इन वी पर थीज। ठीक है, ध्यान दें। यहाँ पे आपके पास दो लिक्विड्स हैं, ठीक है। सो इनसाइड द सॉल्यूशन, यहाँ पे जो सॉल्यूशन में है वो है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लिक्विड, द व्हाइट विल ऑल्सो हैव सम वेपर्स हियर एंड सिमिलरली द ब्लू वन विल ऑल्सो हैव सम वेपर्स हियर। ब्लू वाले का भी क्या होगा, कुछ वेपर्स होगा, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो मिक्सचर, यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन को हम लोग बता सकते हैं ना। ये जब क्या बताएगा, दिस विल बी पी टोटल, ठीक है ना, ये पी टोटल बताएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या होगा, विल हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट विल कॉल एज वाई ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल कॉल एज वाई बी बिकॉज इट इज ऑल्सो आवर मिक्सचर ही है ये, ठीक है ना। इट इज वॉट इज अ मिक्सचर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, द प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ध्यान सुनिए, जो टोटल प्रेशर है, ठीक है ना, उसमें कुछ फ्रैक्शन ए का है, दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर में से ए कितना है, वाई ए है। इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर यू विल गेट द प्रेशर बिकॉज ऑफ ए। सिमिलरली पी बी कैसे मिलेगा, टोटल प्रेशर में से क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, टोटल प्रेशर में द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द प्रेशर बिकॉज ऑफ बी। टोटल प्रेशर में से आपने मोल फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन ऑफ ए यू आर मल्टीप्लाइंग, यू विल गेट द प्रेशर बिकॉज ऑफ ए। सिमिलरली पी टोटल में से इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शन ऑफ बी यू विल गेट द प्रेशर बिकॉज ऑफ बी, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिएगा जरा। ठीक, नेक्स्ट ठीक था। रॉड्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। इसमें लिखिएगा आप लोग, ठीक है। हमने देखा था रॉल्स लॉ में क्या था, जो प्रेशर ड्यू टू बी है दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, एंड जो हेनरी लॉ है आपके पास वो क्या है, पी एच इज इक्वल टू के एच इंटू काई बी, के एच इंटू काई बी। नाउ पी नॉट बी क्या बताता है, पी नॉट बी इट टॉक्स अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट या फिर प्योर बी,
और केएच क्या बताता है, इट टॉक्स अबाउट द एस्केपेबिलिटी ऑफ बी, एस्केपेबिलिटी ऑफ गैस, केपेबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा, इफ पी नॉट बी इज हायर दैट मीन्स बी इट वॉन्ट्स टू स्टे इन वेपर, ऐसा भी कह सकते हैं बी लिक्विड में नहीं रखे, लिक्विड से भाग रहा है, दैट मीन्स इट इज वॉन्ट एस्केपिंग टेंडेंसी यहाँ पे भी क्या है ज्यादा, राइट। अच्छा एक और चीज, अगर पी नॉट बी ज्यादा है तो हम एक और चीज कह सकते हैं, दैट मीन्स पी नॉट बी ज्यादा है तो क्या होगा, इट विल फॉर्म वेपर्स वेरी इजिली, इट इज फॉर्मिंग वेपर्स वेरी इजिली तो इट इज नॉट वॉन्टिंग टू स्टे इन द सोल्यूशन, इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, कब, अगर पी नॉट बी ज्यादा है। तो सेम इज द केस फॉर केएच ऑल्सो, केएच में भी हम लोगों ने यही देखा था, इफ द केएच इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट नाउ बिकॉज ऑफ दीज वेरी सिमिलैरिटीज, टू मच सिमिलैरिटीज, यहाँ पे क्या कहा जा सकता है, रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ ऑफ इन विच के एच बिकम्स इक्वल टू पी नॉट ए, ठीक है ना, के एच किसके बराबर हो जाता है, पी नॉट ए या बी दोनों में सेम चीज है ना, ठीक है ना, पी नॉट ए ही लिखे बिकॉज एनसीईआरटी ने पी नॉट ए लिखा है, बट इट इज इक्वली इक्वल और पी नॉट बी, कोई भी चीज ले लीजिए दोनों चलेगा, ठीक है ना, दोनों के लिए बराबर ही है, एनसीईआरटी ने पी नॉट ए लिखा है तो जनरली सवाल पी नॉट ए के हिसाब से आ जाता है, बट बोथ ऑफ दीज पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों ही वैलिड है। टॉपिक इज डन, वेरी गुड, हैव अ गुड।